रंग जी ना वो भी लै ली और सब्जी जी ना भी लै ली तीन चला मर्चा का बूटा ही है जेड़ा ना माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मर्चा जी पहले फुटिया मतलब कि शाखा वगैरह ने नवियां बनाई बाद जो मर्चा निरिया जी लै रहा ठीक है जी वो इतों को मांग के लै गया लेकिन जो सू वापसी मिले ही नहीं क्योंकि मांग के लै गया बाद मैं लवन गया उन्होंने को ना आखिर जो भाई जान अभी जो तुम कहीं दे आया से मैं चलो ठीक है तुम जो अगर दे आया तो हम जो फिर नवी जी मैं कहीं लैंती लेकिन अगर जो इन्होंने मांग चीज जो दे मैं भी जेना कई जी नवी लैन दी इन्होंने तेल वगैरह जो लाया क्योंकि जो भाई और लैके आया उन्होंने आख्या सरों का तेल जो थोड़ा बहुत जो ला दे ताकि जो जंग वगैरह जी नहीं लगेगी रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ करें तमाम बहन भीर जिते मैं खुश रहन बाद रहन हमेशा हस्ते मुस्कुराते अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ सारे पहले सारे बहन भाई सुबह बखैर और जी मैं भी चलिया शहर क्योंकि घर दकड़ा जो भी खत्म सारे पहले जो लकड़ा वो लैके आने और गार्डन में पानी वगैरह जो देता और हुण जिहड़ा मैं सोच रहा कि दो दिन जिहड़ा इन्हां नूं पानी ना देईए दो दिन दिंदे आ सोका और इस करके जिहड़ा मैं कि जिहड़ा शायद ज़्यादा पानी ना चंगा होए बूटे खराब भी ना कर पावी क्योंकि डेली जिहड़ा कहिंदा सुबह पानी दिवींदा तो इस करके दो चार जिहड़ा दो दिन सिर्फ जिहड़ा ठहर जांदे आ दो दिन बाद जिहड़ा ना फिर इन्हां पानी वगैरह जिहड़ा कहिंदा देवांगे और अज चंबेली जिहड़ी कि ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फुल जिहड़े ना खिले हुए ने उस ते तो इंशाल्लाह चलने आ सारे पहले चल के जिहड़ा लाइम ने लकड़ा और बेगम साहब और कुछ जो पूछ लेंगे भी घर का और कुछ समान वगैरह जो लेना था एक तो लकड़ा जी वह लैनी है दूसरा जो तंदूर का रंग मुक्का पे वह जो लैना मतलब जो उपरों ज़्यादा लाल करके जो वैसे तो मिट्टी लाल आ लेकिन जो उपरों रंग थोड़ी बहुत पिवेंदी ना तंदूर होर जो खूबसूरत जो हो जाते हैं वह रंग जी वो भी लैनी है और दूसरा लकड़ा जी खत्म हुई पी भी लैनी सब्जी जी कल की खत्म हुई हुई सब्जी जी वह भी लैने सवेरे सवेरे ताज़ा सब्जी आ गई होनी एक दो सब्जियां जी लैमने आने मतलब दो तीन दिन फिर लवन की जी जरूरत नहीं होगी क्योंकि बाहर ले सारे तंदूर जो पोचा वो जो मारना क्योंकि बारिशों बाद जो पोचा वगैरह जो कोई नहीं मारिया इंदा जो कड़ा वगैरह बनाया इन पोचा जो कोई नहीं लाया सारे तंदूर जो पोचा वगैरह जो दोबारे वो जो इंशाल्लाह सोहने तरीके करके जो मारने लेकिन जो इस जगह की जी टोटल साफ सफाई जी करनी है थड़ी वगैरह जी मतलब कि थोड़ा रैंप वगैरह जो बना देवे ताकि जिमें ठल जी बनी खोती हटा के इस तरह जो रैंप बना खालियाँ वगैरह जी जान के ये भी जी लाजमन पूरी बारह शला उवें बनिया हुई हैं ये पूरी मोटरसाइकिल लगावेंट लगावे लगे ना काफ़ी सारी जी मुश्किल होंगी क्योंकि इतनी जो स्लिप भी होने लगता जान की जी कल तैयारी खुरजी वगैरह जी ला दी और बेगम साहब और जी ला लगे ने झाड़ू चलो ठीक है सब्जियां जी मैं ले आवांगा ते लकड़ा भी लैम ना और को घर का समान चलो ठीक एक दो सब्जियां लाए आवांगे ना मतलब दो तीन दिन पाए जावन गया ठीक हो गया तो इंशाल्लाह सुने लन याद करके चले रंग मेरे याद है रंग लाजम जी लाए शहर भी तकरीबन पहुंचे खड़े लकड़ा जी लै ली और दूसरा रंग जी ना वो भी लै ली और सब्जी जी भी लै ली तीन चला घर पहुँच के फिर जी तो घरे जो पहुँच गया बाकी लकड़ा जी लैन दी सब्जी भी जी वो भी लैन दी रंग भी जी वो भी लैन दी और लकड़ा है तो थोड़ी बहुत गिलियां लेकिन बरीक बरीक जी चुक के तो मैं लैन दी ने लेकिन है थोड़ी बहुत गिलियां चलो एक दुख तो सीटा गया एक दो दिन जी ठीक हो जाएगी तीन शाला इतने ला रखी टोके तो ना ही हैं चलो ठीक है तीन शाला लकड़ा जी ला लीए और जी लकड़ा जी तकरीबन मैं ला ही खड़ा और कई जी ना लैन दी नवी क्योंकि कई जो दो मेरे को एक उधर अम्मीपुर को एक जी ना वी कई वो इतों को मांग के लै गया लेकिन जो सू वापसी मिले ही नहीं क्योंकि मांग के लै गया बाद मैं लवन गया उन्होंने को आखिर जो
ਬਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇ ਆਇਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਲੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ खत्म हो जाने दिन बस चार दिन जो लकड़ा कट दी लेकिन जो मांग के लैके सूँ वापसी नहीं मिली लकड़ा की टेंशन जी खत्म हुई कई की टेंशन भी जी खत्म हुई और दूसरा तंदूरी की जी सा टेंशन हम माशाला जी खत्म हो गई और गार्डन जरा ना मैं अब चौकी वगैरह जो करना रंबी जी छोटी लैनी है लेकिन जरा जेहन च कौन नहीं रही क्योंकि तले के विचले जिस गैप वगैरह ने उन्होंने चौकी करके अच्छे तरीके मतलब जरा पानी वगैरह बाद लिया भी है खड़िया वगैरह जी फुलों के इन्हों चौकी करनी है क्योंकि मुढ़ा के नाल जी मिट्टी दी आई ना वो खोर खोर के सारे खड्डे वगैरह जो पुरीजे खड़े ने थोड़ा थोड़ा पानी जो खड़िया के जो जमा होता इस करके जो चौकी वगैरह करके जो सैट कराओ बेगम साहब ने जो झाड़ू वगैरह जो सारा टोटल ही जरा ला लिया और मैं शायद तंदूर में त्रेड़ा वगैरह जवन गई लेकिन जीडिया नहीं पाइं माशाला साफ सुथरी जी तंदूरी खड़ी है एक अद्धी वो पक त्रेड़ जी पई है बरीक बिल्कुल बाल वाग उनकी जी खैर उनकी टेंशन वगैरह जी कोई नहीं बठल वगैरह जी ने उपर दिता रात में मैं मौसम वगैरह जो बदल दूसरे तीसरे दिन का कणिया परसों ही आई लेकिन अज रात में जो कणिया वगैरह जी कोई नहीं आई कर बठल तो उन्हें उस छोटा जि पीस जो बनाने छापर द मतलब कि जो डेली रूटीन वाइज बारह छावे ना उपर जाइता रोटियां ला के बस बीजन तू जो बची वे तो दस साल तंदूरी जी खत्म नहीं होंगी मर्चा का बूटा ही है जोड़ा ना माशाला बहुत ही ज़्यादा मर्चा जी पहले फुटिया मतलब कि शाखा वगैरह ने नवी बनाई बाद हूँ जो मर्चा निरिया जी लै रहा और बारह तो नेरे दूर इन डिग काफ़ी सारा गया लेकिन उम्मीद हूँ अद्धा किलो जल बूटे तो मर्चा लगन गई जितनिया माशाला जो बूर वगैरह जो चाई खड़ा जी बेगम साहब और जो दो रहे कपड़े बाकी काम सारा खत्म हो गया चलो ठीक है मैं भी जो कई जी नवी लैन दी इन्होंने तेल वगैरह जो लाया क्योंकि जो भाई और लैके आया उन्होंने आख्या सरों का तेल जो थोड़ा बहुत जो ला दिया ताकि जो जंग वगैरह जी नहीं लगेगी तो कई की बुनियाद जो ज़्यादा वधेगी मतलब कि अगर ये ना लवी वे तेल वगैरह वो फिर जो ना मिट्टी या पानी पवे ना जंग वगैरह जी लग जाती हूँ तेल लग गया ना इनू पानी वगैरह लगता ही रहेगा तो इनू जंग वगैरह जरा नहीं लगेगा और यह मशवरा जो उन्होंने माशाला काफ़ी बेस्ट जरा दिता और मैं जो आंदे ला तेल वगैरह जो ला दिता उन्हें आख्या एक अज तेल ला के रख दे सवेरे जो इस्तेमाल करनी जी शुरू कर दिया और मैं भी जो घंटा दो ही जो मतलब कि सैट हो जाए उस बाद जो बहरली थालियाँ वगैरह जो एक जी करना पहले जी इस वजह तो जो बहरले बू दरवाजे जालियाँ वगैरह एक जी नहीं कीतियाँ मैं मौसम जो पिछले हफ्ते जो काफ़ी सारा खराब रहा बदल वगैरह काफ़ी सारे मैं कहता कि हूँ जो जो कर लवा तो शाम को फिर बारिश आ जाए फिर उवें खालियाँ बन जाए क्योंकि दरवाजे सामने सारी गली का पानी जो बहर ही निकलता है ना तो उन्होंने वजह तो जो खालियाँ वगैरह जो पानी लुड़दा तो बन जाए लेकिन हूँ मौसम वगैरह जो साफ हो गया हूँ जो मतलब क्या खालियाँ वगैरह जो पूर लेने लेकिन यह भी टेंशन इंशाल्लाह जी ने खत्म करा जिस टाइम कमर का काम वगैरह जो मुकम्मल होया ना नाल बजरी वगैरह जो थोड़ी बहुत लैके रैंप जो बना देवे ना तो फिर जो मतलब कि उस बारिश का पानी जिम्मे मर्जी लंघता टपता रहे
खाली वगैरह जी नहीं बनेगी। मैं भी जो जाना दाने का जो पता करें, फर्स्ट टाइम जाना से लेकिन फर्स्ट टाइम जो कुछ बीजा, लेकिन वो सैकेंड टाइम जो दाने का पता करें जो जावे, मतलब जो साढ़े माशाला जो बडोली पांच कमान दाने जमा हो गए, दो कमान और रख लवेंगे, सत्त कमान दाने मुकते नहीं, पिछले जो दाने बेच लवें, रेत जी खत्म हुई पी है वह जी स्टा ली है, फिर जरा इंशाला दस पंद्रह दिन तक इटा जीन 3000 स्टा के उपर छत तकर कमरे कंप्लीट करा लेने, तकरीबन 3500 मिस्त्री कह रहा है इटा जी उपर और लगनी है, लेकिन पहले जी अज पैसे का पता करके आने ना दाने का, मतलब जो दो मन दाने होर रख लवान घर तो दूसरे जो 3-4 मन जी दाने सारे जो बेच के ना तो रेत वगैरह जी कुछ वो स्टा लेने, दूसरा घर खर्चा रख लवेंगे, फिर जरा इस महीने जी अर्निंग वगैरह आएगी ना तो उन्हें ईटा वगैरह जो स्टा लवेंगे, दुद्ध वाले पैसे जो दे लवेंगे, आस्ते आस्ते ही इंशाल्लाह जो सारा काम वगैरह जो अलहमदुल्ला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मिस्त्री भी जो कह रहे थे 3500 इस तू ज़्यादा जी कि इट वगैरह जी नहीं लगनी, इन्नी कि जी लगनी, और बेगम साहब और जो घर का काम वगैरह जो बन भी काफ़ी सारा जो जाता, और मैं भी और तेल सुकदा ना तो सारे सारे पहले जो जगह वगैरह जी साफ सफाई जी करने, क्योंकि बिल्कुल जी होरमें पे इस तरह रैंप वगैरह जो अगर बन जाएगा फिर खाली वगैरह उस तरह तक जो रैंप बन जाना, वो जो कमरा वगैरह जो कंप्लीट कर लगे उदो रैंप वगैरह जो बनाव, और तंदूर इको जी करने, लेकिन पहले पोचा दबे भी है रंग दे गया या पर रंग जी लैन दी है तो पोचा जो सारा पहले जो मार लेने, तो पिछले टाइम जावगा ना क्योंकि हम अपने माशाला पांच मन दाने बड़ोली चोए पे दो मन और रख लवेंगे, उम्मीद है अपन बड़े ने एवं ही ना पिछले जो मतलब कि 3 मन हो या 4 मन हो वेच देवे, मतलब कि रेत जी स्टा लवेंगे, तो इस महीने के मतलब कि तनखा जो इटा वगैरह स्टाक जो छत्ता तक जो कंप्लीट लाए जावे, सही है ना, तो फिर जो आस्ते आस्ते जो मतलब कि अगर 6 गाडर होने, मतलब कि अगले महीने जो 6 गाडर जो लै लवेंगे, फिर उस तू अगले महीने मतलब कि जो कड़ियाँ एक कमरे की लै लवेंगे, फिर दूसरे कमरे दी तीन शाला दो तिना एक महीनों के अपने जो दोवें कमरे अलहमदुल्ला कंप्लीट हो जाएंगे, सर्दियों पहले पहले जो कंप्लीट हो जाएंगे, कई भी तकरीबन जो सुकी खड़ी आ थेक जगह जो उन्होंने आख्या लाजमी जो लव्या ताकि जो जंग वगैरह फिर जी नहीं लगेगी, आप अगली कई तो लाया ही कोई नहीं, मैंने खड़ी ती गई है ना, वो खड़ी कई ताई गई आप कोई नहीं लाया, और इस फुल चूचिया ने खराब किया, लेकिन फिर भी खिल मल्टी आ गुलाबी कलर का वाइट कलर का, लेकिन हूँ पीला भी जो खिल रहा, शाख वगैरह तो माशाल्लाह काफ़ी सारी जी घर, लेकिन पानी तो हूँ एक दिन आप रेस्ट कराई क्योंकि ज़्यादा पानी भी जाना शायद नहीं चंगा, ठंड हो जाती है ताज़ा लाजमी जाना तंदूरी लिंब वगैरह जाना तंदूरों कानी मिट्टी जी कुट ली है तंदूरी कानी नाल इजाफी कुटा और इन्हें लिंब पोच के जो सोनी तरह जो कर देवे, क्योंकि आ भी जो थलो जो उपरों जन बह गई इतों इनू जन उपर होर मिट्टी जी देवे, और अज का अला छोटा जहा विलाग भी जो कर रहे हैं इतने खत्म, इंशाला मिलने किसी नैक्स अच्छे अच्छे विलाग के, क्योंकि मैंने भी हम काम काफ़ी सारा, क्योंकि जो सारे पहले चल क्यों बारे जगह जी सारे इको जी वगैरह जी करने, दूसरा मिट्टी कोट के जो पोचा बेहने बारे सारे तंदूरों पोचा वगैरह जरा वो मारने, फिर अट के तंदूरों कन मिट्टी जी कुट के वो जी बेहने, मुंह जी वरिया जी बोरी च पईन वो जी बनाने वाली ने, तुम की कर रहे हो पूरा सारा फल जाना थले हम नवा लाए रहे माशाल्लाह काफी सारा, एक एक टीणी तकरीबन 8-9 निबू लग रहे जेने मर्जी तोड़ लो, और आ टीणी जड़ी ना पता नहीं किस तरीके ने जी टुटी है कोई कन्फर्म पता कोई नहीं, टीणी जी निबुआ जी टुटी पी है, हाँ जी चमेली बहुत ज्यादा जी खिली, मैं सुबह सुबह जी देखी है सारे फुल ही फुल जो माशाल्लाह जो निकले कर, और इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, सारे बूटे एक साइड से और चमेली की खुशबू जी ना एक साइड से गुलाब के फुलों ना भी जी ज्यादा खुशबू जी ना माशाल्लाह जी चमेली की आ गई, तो इंशाल्लाह अपना ढेर सारा ख्याल रखा जी, और अगर कोई मेरा बैंड बेरादा करना चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम बनया जाज विलेज ब्लॉग नाम से, तुम इतने वॉइस मैसेज तेरी जी गलबात कर सकते हो, इन्होंने दुआवे इजाजत अल्लाह हाफिज़।